दर्शकों को हम ये समझाते हैं कि चरणजीत चन्नी की चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां उनके पास हैं। तो सबसे पहली चुनौती जो है वो ये है कि नाराज अमरिंदर सिंह से सामंजस्य बिठाना, क्योंकि अमरिंदर सिंह की अभी भी पैठ पंजाब में मजबूत है। अमरिंदर और सिद्धू गुट को साधते हुए काम करना, क्योंकि दोनों गुट अलग अलग है बिल्कुल। क्या कांग्रेस को कमजोर करेंगे दोनों, कैसे साथ आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह को खत्म करना बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बयानबाजी का दौर जो है वो लगातार शुरू है। अब देखिए, चुनाव से पहले पंजाब में जमीनी स्तर पर काम करना, क्योंकि केवल 6 से 7 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में जमीन पर क्या काम हो पाएगा। कांग्रेस के चुनावों में किए गए 18 वादों को अमल करना, जो राहुल गांधी ने कहा था ये 18 वादे हमें आला कमान की तरफ से जो लिस्ट सौंपी गई थी अमरिंदर सिंह को, वो 18 वादों को कम समय में एग्जीक्यूट करके देना, क्या वो इंप्लीमेंट हो पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब में दलित वोट बैंक को साधने की बड़ी चुनौती, क्योंकि दलित वोट बैंक के नाम पर इन्हें आगे मौका मिला, एक्स फैक्टर जो था वो यही था, ऐसे में क्या आपके दलित फैक्टर बीजेपी के दलित फैक्टर के ऊपर ये काम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अमरिंदर से नाराज मालवा डेरो को साधने की चुनौती, अब मालवा के बारे में एक बार फिर बता दें कि मालवा जो जीतता है उसके बारे में कहा जाता है कि पंजाब वो जीत गया, यहीं से बड़ा फैक्टर है, आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती दे रही है। तो गौरव, ये कुछ चुनौतियां हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। बिल्कुल, और इसके अलावा भी कुछ और चुनौतियां जिनका जिक्र अभी हम करेंगे अपने पैनलिस्ट से। अकुश श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हमें देख रहे हैं स्क्रीन पर, दीपक झा कांग्रेस से हमारे साथ आ चुके हैं, आप दोनों का स्वागत है। दीपक, आपसे शुरुआत करते हैं, पहले तो मुबारक हो, आपके एक नए सीएम शपथ लेने जा रहे हैं आज, लेकिन वो जो नए सीएम शपथ लेने जा रहे हैं उनके नाम को ऐलान हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुआ है, और आपके पंजाब के बड़े बड़े नेता ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो खुश नहीं है। हरीश रावत के बयान का सुनील जाखड़ ने विरोध कर दिया, ब्रह्म मोहिंद्रा के नाम का विरोध सिद्धू कर रहे हैं, पंजाब कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं हो पाई। दीपक, देखिए एकजुटता है, मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे मंत्री बनेंगे, खबरें मीडिया में आती रहती है कुछ भी, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दूसरी बात, सुनील जाखड़ के बयान में भी सच्चाई नहीं है, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है। नहीं नहीं, ऑन रिकॉर्ड एक खूबसूरत है लोकतंत्र का, आप देखेंगे लोकतंत्र में इतनी खूबसूरती है कि कांग्रेस पार्टी में ही हो सकती है, भाजपा में तो सब डरपोक है, वहां नेता कोई बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता, आप समझ रहे ना। तो भाजपा की भाजपा के हाईकमान की हाईकमान इतना उसका इकबाल मजबूत है कि वो अपने अंदर के विरोध को अच्छे से मैनेज कर लेता है और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान मैनेज नहीं कर पाता, ये माने, और वो फिर सरफेस पे आ जाता है। कांग्रेस देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी भाजपा इस पे बोलने लायक कुछ नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना भाजपा की ऐसी हालत हो गई है कि भाजपा को अभी कितने मुख्यमंत्री। सर, आप सवाल आपसे पूछा गया, सर आप अपना जवाब दीजिए, भाजपा छोड़िए, भाजपा को लेकर गौरव ने सवाल नहीं पूछा है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा को लेके सवाल नहीं पूछा, मैं कांग्रेस में बोल रहा हूँ, कांग्रेस में एकजुटता है, सारे नेता कांग्रेस में। अकुश श्रीवास्तव जी, एक छोटा सवाल आपसे ले लेता हूँ, उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है, इनकी अपनी मजबूरियां हैं दीपक जी की, लेकिन आपसे समझना ये, ठीक है मैं आपके पास आता हूँ, एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके पास आता हूँ। सिद्धू की अगुवाई के साथ अब डिप्टी सीएम पर घमासान मचा है, कैप्टन ने करीबी ब्रह्मा मोहिंद्रा को नाम पर विवाद हो गया है, डिप्टी सीएम के लिए किसी हिंदू चेहरे पर चर्चा की जा रही है, यानी जो कैप्टन ने करीबी हैं वो सिद्धू को नागवार हैं, और जिस तरह से सिद्धू कद बड़ा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब ना खाता ना बहस सही, जो सिद्धू को पसंद आ रहा है बस फिलहाल पंजाब कांग्रेस में वही सही। बिग बॉल ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से नाम है जो सामने आ रहे हैं यहां पर डिप्टी सीएम को लेकर, तो कुछ नाम हमारे पास है जो यहां पर सामने आने वाले हैं, ये डिप्टी सीएम को लेकर नाम है। रंधावा जो है वो जाट सिख समुदाय से आते हैं, हालांकि शुरुआत में इनको लेकर कहा जा रहा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अमरिंदर सिंह कैबिनेट में जेल मंत्री थे, शुरुआत में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बाद में इनका नाम हट गया। डेरा बाबा नानक से विधायक ये हैं और इनके डिप्टी सीएम बनने की बात आ रही है, 3 बार से कांग्रेस के ये विधायक हैं, कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम है, सुबह इनका बयान भी सामने आया था, गुरदासपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी कहा था कि चन्नी जी को मेरी तरफ से मुबारकबाद, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। पिता संतोख सिंह जो है वो 2 बार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी इनका जो खानदानी इतिहास है वो मजबूत है। दूसरा व्यक्ति कौन है जो यहां पर डिप्टी सीएम बन सकता है, तो ये देखिए ब्रह्म सिंह साहब का नाम सामने आ रहा है, कैप्टन साहब के करीबी हैं, हिंदू समुदाय से आते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर जा रहा है, क्योंकि वहां पर सिख हिंदू और दलित ये 3 इंपॉर्टेंट वहां पर कास्ट है जिनके नाम पर बड़ा वोट बैंक है। अमरिंदर कैबिनेट में ये स्वास्थ्य मंत्री थे, कैप्टन के करीबी हैं, पटियाला ग्रामीण से विधायक ये हैं, तो इनके बारे में कई जानकारियां दे रहे हैं, 6 बार से कांग्रेस के ये विधायक हैं, यानी लंबा अनुभव जो है वो इनके पास है। और एक और खास बात, कैप्टन के करीबी हैं सिद्धू से इनका 36 का आंकड़ा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से ये गिने जाते हैं, और इन्हीं को ही सिद्धू को हटाने के बाद अहम जिम्मेदारियां जो थी वो दी गई थी, सभी वर्गों को साथ ले जाने की कोशिश है।
तो अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि दो डिप्टी सीएम जो हैं वो आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जरूरत इसकी थी? तो उसका जवाब भी आपको बिगवाल ग्राफिक्स से देते हैं। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश जो है वो पंजाब कांग्रेस की है। दलित को सीएम बनाने से सिख हिंदू नाराज ना हो, इसलिए एक डिप्टी सीएम जो है वो जट सिख को बनाया जाएगा और दूसरा जो डिप्टी सीएम है, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया था, वो हिंदू को बनाया जाएगा, ताकि तीनों जो प्रमुख वोट बैंक हैं उनको साथ लिया जाए। सरकार में दलित जट सिख हिंदू का समीकरण जो है वो बनेगा और तीनों को लेकर यहां पर सरकार बनाई जाएगी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। प्रदेश की कमान जट सिख सिद्धू के हाथ में है। आने वाले चुनावों में कोई समुदाय नाराज ना हो, जो तीनों का हमने जिक्र किया, सिख और सिख के साथ साथ यहां पर हमारे साथ दलित और दलित के साथ साथ जो तीसरा नाम था हिंदू का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।